हाय एवरीवन, वेलकम टू हेल्टेकर। हेल्टेकर चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की न्यूज़ को हम लोग कवर करते हैं। तो इसके पहले मैं बता दूं, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दे, जिससे हमें नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। इसके पहले मैं बता दूं कि एक मैंने टेक्निकल चैनल स्टार्ट किया है, तो टेक से संबंधित उस पर सभी जितने भी स्कीम वगैरह हैं, जितने भी टेक्निकल संबंधित मोबाइल संबंधित जितने भी गैजेट्स हैं, उसकी जानकारी उस पर आपको मिलती रहेगी। और इस पर क्या है, अब पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कराई जाएगी और होमगार्ड के वीडियो इस पर लगातार आते रहेंगे। तो चलिए उसको वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है। गांव में रहने वाले जितने भी सरपंच होते हैं उनके लिए अच्छी खबर है। देखिए यहाँ पे 24 अप्रैल को संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, देश के सरपंचों से 24 अप्रैल को संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। तो एक अच्छी अपडेट है। तो गांव में रहने वाले जितने सरपंच होते हैं उनके लिए क्या है कि एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। अब प्रधानमंत्री सीधे उनसे कनेक्ट होंगे और बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं। स्कीम क्या है उसको मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे पूरी न्यूज़ को मैं कवर कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो को देखिए, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिए, तब आपको पूरा डिटेल से समझ में आएगा। तो देखिए मैं देखिए यहाँ पे है नई दिल्ली, 22 अप्रैल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के मौके पर, देखिए यहाँ पे जो है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, जिसके मौके पर ही देश के सरपंचों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये किसके माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे और कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी यह अहम संबोधन होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा कि इन्होंने बहुत बड़ा एक स्कीम देने वाले हैं ग्राम प्रधान को। तो कौन सा स्कीम होगा देख लीजिए, यहाँ पे ई ग्राम स्वराज पोर्टल और एक मोबाइल ऐप की शुभारंभ होगी। तो यहाँ पे क्या है कि जो एक पोर्टल बनाया जाएगा, एक वेबसाइट रहेगा ई ग्राम स्वराज पोर्टल, उस पर आप जाके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल। और जो मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे, मैं आज ही बता दे रहा, कल के न्यूज़ में पूरी डिटेल से आ जाएगी, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। तो मेरा काम रहता है कि जैसे ही न्यूज़ का होता है आता है, सबसे पहले मैं जानकारी देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर करेंगे। तो अभी आपको जैसे न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह में कल ये मिलेगा, लेकिन मैं पहले ही ये अपडेट दे देता हूँ। सभी जगह क्या होगा कि अभी जो भी न्यूज़ आती है मैं तुरंत अपडेट कर देता हूँ। न्यूज़ जो आती है वो एक दिन बाद आपको कटिंग पेपर वगैरह मिल जाएगा, लेकिन जो न्यूज़ का होता है मैं तुरंत ही इस पर बताता हूँ चैनल पर। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दे। तो देखिए यहाँ पे है मोदी ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुभारंभ भी करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को ट्वीट करके कहा, 24 अप्रैल शुक्रवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के सरपंचों के साथ संवाद करूंगा, मुझे इस बातचीत की प्रतीक्षा रहेगी। तो बहुत सारे जितने भी ग्राम पंचायत है जिनको चुने रहेंगे, वो सीधे प्रधानमंत्री से अपने प्रधानमंत्री से सीधे बात कर सकते हैं और अपने कार्यों को बता सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दरअसल 24 अप्रैल को हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार यही दिवस लॉकडाउन के दौरान पड़ रहा है। देश में लॉकडाउन की सफलता में गांव अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सरपंचों से संबोधन के दौरान उनका इस लड़ाई को लेकर हौसला बढ़ा सकते हैं। तो जितने भी ग्रामवासी हैं उनका हौसला प्रधानमंत्री मोदी जी जरूर बढ़ाएंगे। तो आप जरूर वीडियो को लोगों के पास शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जागरूक करिए। तो आशा है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और आप इस न्यूज़ को फिर डिटेल से कल के अखबार में भी देख सकते हैं, जो भी न्यूज़पेपर है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।